करंट लो मीन्स केसी और सी के बीच में एक सोर्स लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस एक है। तो मान लो कि जो बैटरी है वो करंट डिलीवर कर रही है, तो मैं इसको करंट को एक्स प्लस वाई ले रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो ए पॉइंट के ऊपर आके ए बी में करंट एक्स फ्लो हो रही है और बी ए डी में करंट वाई फ्लो हो रही है। यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो करंट एक्स प्लस वाई इनकमिंग करंट है और एक्स और वाई ये आउटगोइंग करंट आ जाएगी। फिर बी जंक्शन पे जाएंगे जहाँ से बी डी ब्रांच में जेड करंट जा रही है, मीन्स बी सी में जो करंट बचेगी वो एक्स माइनस जेड आ जाएगी। ऐसे डी पे केसीएल लगाएंगे तो ए डी में करंट वाई आ रही है, बी डी में करंट जेड आ रही है, जो आउटगोइंग करंट है डी सी की तरफ जाएगी वो वाई प्लस जेड हो जाएगी। सी पे वापस हम कैसे लगाएंगे तो इनकमिंग करंट से एक्स माइनस जेड और वाई प्लस जेड, या कैसे लगाने पे करंट जो आउटगोइंग रहेगी वो एक्स प्लस वाई आ जाएगी। तो हमने कैसे लगा के हर पाथ में से करंट निकाल लिए, तो हमारे पास तीन वेरिएबल रह गए एक्स वाई और जेड। अब आपको इसमें तीन केवीएल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि तीन वेरिएबल है, इतने इक्वेशन हमें चाहिए। तो हमें लूप बनाने पड़ेंगे कहाँ केवीएल लगेगा। तो इसमें एक लूप ए बी डी है, इसमें लगा सकते हैं, बी सी डी में लगा सकते हैं और ए डी सी ई ए में लगा सकते हैं आउटर जो आएगा। ऐसा करने पे हर एलिमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लूप में कंसिडर हो जाएगा। इतना लूप लिखना है इक्वेशंस ताकि कोई भी एलिमेंट बचे नहीं, सब में आप एलिमेंट्स और केवीएल अप्लाई करते टाइम आ जाए। तो पहले हम किरचॉफ सेकेंड लॉ मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल को अप्लाई करते हैं क्लोज सर्किट ए बी डी ए में। करंट का स्पेशल ध्यान रखना किस डायरेक्शन पे फ्लो रही। तो हम ब्रांच ए बी में लिखें तो बैटरी लगी हुई सबसे पहले ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज राइज होगा तो इसको प्लस लिखना 5। फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इसमें एक्स फ्लो रही, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो ड्रॉप हो जाएगा माइनस एक्स। फिर बी से डी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट जेड फ्लो रही, करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं ड्रॉप आ जाएगा माइनस जेड। फिर डी से ए करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, करंट वाई ए से डी फ्लो रही, हम इक्वेशन डी से ए की तरफ लिख रहे हैं, करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज आ जाएगा, तो इसलिए इसका साइन प्लस वाई आएगा। सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं बी सी डी बी में, तो बी से सी चलेंगे हम तो करंट इसमें एक्स माइनस जेड फ्लो रही, 1 ओम के रेजिस्टेंस में क्योंकि करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं ड्रॉप आ जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड। फिर बैटरी में नेगेटिव से हायर साइड की तरफ पॉजिटिव के टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, वोल्टेज राइज आएगा ये प्लस 5। फिर सी से डी में करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, करंट इसमें वाई प्लस जेड फ्लो रही और इक्वेशन हम सी से डी लिख रहे हैं तो राइज आ जाएगा वाई प्लस जेड। फिर डी से बी में अगेन करंट के विपरीत चल रहे हैं, जेड है करंट डायरेक्शन बी से डी, तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं डी से बी की तरफ तो ये भी राइज आ जाएगा प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 5। अब थर्ड जो इक्वेशन लिखनी है आपको ए डी सी ई ए में लिखनी है जिसमें बैटरी भी शामिल हो जाए। ए से डी करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं ड्रॉप आ जाएगा माइनस वाई, डी से सी करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हैं ड्रॉप आएगा माइनस वाई प्लस जेड। फिर बाहर हम आएंगे बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, ये आ जाएगा वोल्टेज राइज तो उसको प्लस साइन लेना है। फिर ए गॉम के रेजिस्टेंस में करंट एक्स प्लस वाई, हम उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो ये ड्रॉप आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई 0। और इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा एक्स प्लस 3 वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अब आप इक्वेशन 1 और 2 देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि जेड की वैल्यू 0 है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड भी 5 है और एक्स माइनस वाई माइनस 3z भी 5 है, मीन्स जेड इज इक्वल टू 0। ये जेड इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रखें और इक्वेशन 3 में रखें तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई इज 5 और थर्ड में रखने पर आएगा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएगी, वाई की वैल्यू आ रही है 5/4 मीन्स 1.25, ये वैल्यू वापस फोर्थ या फिफ्थ किसी में रखें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.25 एम्पीयर। एक्स और वाई निकल गया तो आप हर ब्रांच में से करंट निकाल सकते हो, जैसे जेड तो 0 आ चुका मीन्स बी डी में से 0 करंट फ्लो होगी ब्रांच बी डी में से, ए बी में एक्स करंट फ्लो हो रही है तो एक्स की वैल्यू है 6.25, बी सी में एक्स प्लस एक्स माइनस जेड लेकिन जेड 0 है इसलिए वो करंट एक्स ही फ्लो होगी तो ये करंट भी 6.25 आ जाएगी, ए डी में वाई करंट फ्लो रही जो कि 1.25 है, डी सी में वाई प्लस जेड लेकिन जेड 0 है तो वाई करंट फ्लो रही मीन्स 1.25 और बैटरी से जो करंट फ्लो होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी 1.25 प्लस 6.25 मीन्स 7.5 एम्पीयर करंट फ्लो होगी इसमें से। अगला क्वेश्चन है, दो बैटरी है ए और बी जो पैरेलल में कनेक्ट की हुई है और एक 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस लगा दिया हमने। बैटरी ए है उसका वोल्टेज 12 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है।
बी बैटरी है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज EMF 8 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। हमें किरचॉफ्स लॉ को यूज़ में लेते हुए हर बैटरी कितना करंट दे रही है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट आया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो जो लैंग्वेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। दो बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट और 8 वोल्ट, 12 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 8 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जंक्शन ए और सी पे मिला दिया। ये एक लोड को दे रही, लोड का वैल्यू है 10 ओम। तो जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से हम मानते हैं कि करंट आउटगोइंग करंट है। तो बैटरी ए है वो एक्स करंट दे रही है, बैटरी बी है वो वाई करंट दे रही है। ए पे हम केसीएल लगाएंगे तो इनका सम आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा। सी पे वापस ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, 2 ओम में से एक्स एम्पियर करंट आएगा और 1 ओम में से वाई एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको ये केसीएल लगा चुके हैं, अब केवीएल लगाना है आपको। यहाँ पे अब हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई, मीन्स आपको दो इक्वेशंस लिखनी है सॉल्व करने के लिए ताकि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सको। तो पहले हम सर्किट ए बी सी डी ए जिसमें दोनों बैटरी लगी हुई है इसमें केवीएल लगाते हैं। ठीक, ए से बी की तरफ चलना है आपको, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चलना है बैटरी में, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा -12। फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें हम करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, एक्स एम्पेयर करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट इक्वेशन डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो ये +2x आ जाएगा। फिर 1 ओम में हम करंट की डायरेक्शन पे लिख रहे हैं तो ड्रॉप आएगा -1 × y। बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज होगा, ये +8 आ जाएगा, = 0। उसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आ जाएगा 2x - y = 4। अब दूसरा इक्वेशन आपको और लिखना है जिसमें 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसके लिए हम अब ले रहे हैं ए डी सी ई ए, ये लूप कंसिडर किया है ताकि 10 ओम जो लोड रेजिस्टेंस वो शामिल हो जाए। तो ए से डी की तरफ चले हम तो प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ चल रहे हैं बैटरी में, वोल्टेज ड्रॉप होगा -8। फिर 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट के अपोजिट चल रहे हैं, वोल्टेज राइज हो जाएगा 1y। फिर 10 ओम के रेजिस्टेंस में भी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट लिख रहे हैं तो ये भी राइज हो जाएगा, (10x + y = 0)। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x + 11y = 8। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो वेरिएबल एक्स और वाई, इनको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी, एक्स है वो 1.625 और वाई की वैल्यू आ रही है -0.75 एम्पियर। वाई माइनस आ रहा है इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो रहेगी, इनसे बैटरी चार्ज होगी 8 वोल्ट वाली, इन इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी। ऐसे आप दोनों एक्स प्लस वाई सम कर लोगे इससे तो 0.875 करंट आ जाएगा, एक्स प्लस वाई करोगे 0.875 है वो 10 ओम में से करंट फ्लो रही है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 8.75 वोल्ट आ जाएगा लोड के अक्रॉस वोल्टेज। इस ढंग से हम और भी जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। हर जंक्शन पे केसीएल लगाना और लूप पे केवीएल लगाना है। केवीएल में आपको वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज इनके साइन का स्पेशली ध्यान रखना है, और फिर इक्वेशंस जो भी एलिमिनेशन मेथड है या क्रेमर्स रूल है इनसे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।